हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिवर्स मेथडोलॉजी को यूज़ करके हम अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे रिवर्स मेथड के यूज़ से हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एक डिफरेंट जॉनर ऑफ क्वेश्चन के बारे में, जिनको कि हम इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन एक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एरिया ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन माना जाता है अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग एंड इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट अगर हम इन्हें पैसेज बेस्ड या वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन से कंपेयर करें तो। इसका रीज़न ये होता है कि इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरे पैसेज का मतलब समझना पड़ता है। यहाँ आंसर्स डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं होते हैं और आप इन्हें डायरेक्टली पैसेज में से पुल आउट नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए शायद इन्हें सबसे टाइम टेकिंग भी माना गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हम इनमें से आके अटक भी जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि आप कोई भी लास्ट ईयर के पेपर्स में देख लें तो आपके मेन एग्जामिनेशंस में, चाहे आपका SBI PO क्लरिकल हो, चाहे SSC हो, चाहे IBPS मेंस हो, इसमें इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं और पैसेजेस भी आपके काफ़ी लंबे रहते हैं, दे आर क्वाइट लेंदी। तो इसलिए चलिए हम आज कुछ एग्जाम्पल पैसेजेस लेके डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम इन्हें सक्सेसफुली और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। टू बिगिन विद, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इन्फरेंस? आपको इन्फरेंस वर्ड से क्या समझ में आता है? एक होता है डिक्शनरी मीनिंग, एक होता है किसी वर्ड की एप्लीकेबिलिटी को समझना, उसके यूज को समझना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि इन्फरेंस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि टुडे द वेदर इज़ वेरी बैड, डार्क क्लाउड्स हैं बाहर एंड देर इज थंडर एंड स्टॉर्म, तो इससे आपके माइंड में क्या इमेज बनती है, क्या कीवर्ड आता है? आई एम श्योर मेजोरिटी ऑफ अस समझ जाएंगे कि हाँ, आज कहीं ना कहीं मैं रेन्स के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रेनी सीजन, या आज बारिश होने वाली है। तो आप गौर करें कि मैंने अपने साइड से आपसे रेन वर्ड नहीं बोला, बट स्टिल मेरे सारे क्लू वर्ड सुन के, जैसे कि बैड वेदर, थंडर स्टॉर्म, डार्क क्लाउड्स, ऑटोमेटिकली आपके मन में एक इमेज जनरेट हो गई बारिश की, रेन्स की। तो स्टूडेंट्स, इसको ही हम इन्फरेंस बोलते हैं प्रिसाइसली। इन्फरेंस जब भी हम किसी चीज़ का ड्रॉ करते हैं तो हम अपनी क्रिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल लॉजिक का यूज करके हम समझते हैं कि व्हाट इज द आंसर। तो एग्जैक्टली यही स्किल आपको अपने पैसेज में शो करना है जब बात आती है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस की। यहाँ मैं आपको थोड़ी टिप्स और देना चाहूंगी बिफोर प्रोसीडिंग टू सॉल्व द एग्जांपल्स। जनरली हमारे इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे 5 चीजें ही पूछते हैं, वो 5 प्रकार के, 5 टाइप्स के ही होते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ हमने लिखा है कीवर्ड्स ऑफ द इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, किस किस तरह से इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये डिस्कस करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स में ये एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, आपने खुद भी एक्सपीरियंस की होगी, कि जैसे ही आप पैसेज को रीड करके क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या ये इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या एम आई बीइंग आस्क्ड अबाउट द वोकैबुलरी सेक्शन। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें ये कीवर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वंस वी नो दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, हम इमीडिएटली समझ जाते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है एंड दैट वी हैव टू ड्रॉ इन्फरेंसेस। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको वॉक थ्रू करवाती हूँ कि इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस किस किस तरह के हो सकते हैं। टाइप नंबर 1 इज सेंट्रल थीम, मेन फोकस, समरी ऑफ द पैसेज। यहां आपको इन तीनों में से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है कि सेंट्रल थीम क्या है पैसेज की इन ऑप्शंस में से, what is the main focus of the passage from the options given below, or what is the summary of the passage that you have just read. As the name suggests, इसको solve करने के लिए आपको पूरे passage का एक theme पता होना जरूरी है, पूरे passage का एक मतलब पता होना जरूरी है। सबसे ज़्यादा focus जहाँ आप करेंगे वो होगा इसमें first paragraph। इस तरह के questions को solve करने के लिए आपका सबसे बड़ा focus होना चाहिए आपका first paragraph of the passage। Why I say so? इस बिकॉज जैसे हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि पैसेज की जो भी ओपनिंग लाइन्स होती हैं, स्पेशली आपकी 5, 6, 7 लाइन्स, उसमें आपको ये आइडिया लग ही जाता है कैसे भी कि ये टॉपिक कौन सा है जिसके बारे में ऑथर हमसे बात कर रहे हैं, ये पैसेज किस थीम को, किस टॉपिक को टच अपॉन करता है। तो इसीलिए सेंट्रल थीम समझने के लिए, या मेन फोकस समझने के लिए, या हम उसको समरी कह लें, समझने के लिए फर्स्ट पैसेज का एसेंस ग्रास्प करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जरूर इस पर ध्यान दें वाइल रीडिंग द पैसेज। एंड अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट या ऐसा अननोन फ्रेज मिलता है जो आपने पहले नहीं सुना या जो आपको थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है, आप उसे जरूर हाईलाइट या अंडरलाइन कर लें अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ लेट अस सी द टाइप नंबर 2। ये है आपका व्हाट कैन यू डिड्यूस फ्रॉम द पैसेज। स्टूडेंट्स, डिड्यूस वर्ड से हम क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिड्यूस?
रिड्यूस का मतलब होता है कोई भी फैक्ट्स को पढ़ के अपनी ओपिनियन फॉर्म करना। अगेन, अगर मैं आपसे 5-6 लाइंस डिस्कस करती हूँ अबाउट एनी टॉपिक, से अबाउट डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, ट्रीज़ को क्यों काटा जा रहा है, इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं, मेरी सारी बातों पे गौर करके आप अपने मन में कहीं ना कहीं एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे अबाउट द वर्ड डिफॉरेस्टेशन, कि आपका क्या टेक है इस पे, आपका क्या सोच है इस पे, तो वही आपका डिड्यूसिंग होता है। जब आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू डिड्यूस फ्रॉम द पैसेज, आपको बेसिकली पूरे पैसेज को समझने के बाद अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करनी होती है और ऑप्शंस में जाके देखना होता है कि विच इज द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव डिराइव्ड अपॉन। इसके लिए वी नीड टू नो द फुल पैसेज। आई एम नॉट सेइंग कि वी नीड टू लर्न द फुल पैसेज, विच इज नॉट पॉसिबल, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फुल पैसेज इन अ सीक्वेंस। अंडरस्टैंड द पैसेज इन अ सीक्वेंस कि कौन सा इवेंट कब हुआ। आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट टू टाइप्स हम आते हैं अपने थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप बात करता है टोन ऑफ द ऑथर। नाउ टोन ऑफ द ऑथर एक बहुत ही क्रिटिकल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने का। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती ही होती है, क्योंकि हाफ ऑफ अस मे नॉट नो वॉट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ टोन। एंड फॉर दोज ऑफ अस हु डू अंडरस्टैंड, वी डू नॉट नो कि ऑप्शंस में से राइट टोन सेलेक्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो आई विल टेल यू सम क्लू वर्ड्स, कुछ ऐसा मैं आपसे आज एक, आप कह सकते हैं, सीक्रेट डिस्कस करती हूँ टोन ऑफ द ऑथर के बारे में, या आप कह सकते हैं टोन ऑफ द पैसेज भी आप इसको बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपसे क्या पूछा गया है। जिसको समझने के बाद आई कैन अश्योर यू कि आपको फ्यूचर में टोन ऑफ द पैसेज सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, टोन का मतलब क्या है? टोन का मतलब ये होता है व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर बिहाइंड राइटिंग दिस पैसेज। ऑथर का नजरिया, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनकी फीलिंग, उनका इमोशन क्या है इस पैसेज को लिखते समय, इस पैसेज को बनाते समय। यहां हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैं आपसे दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ, एक नेगेटिव एग्जाम्पल और एक पॉजिटिव एग्जाम्पल। मैं अगर आपसे बात करूँ आपकी सिटी में ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के बारे में, कि व्हाट इज़ योर थिंकिंग अबाउट द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन योर सिटी, और अगर आपको इसके ऊपर 5-6 लाइन बोलनी हो या लिखनी हो, या चलिए एक बस डिस्कशन करना हो किसी से, तो डेफिनेटली जब आप इसके बारे में बात कर रहे होंगे तो आपके माइंड में एक बहुत नेगेटिव इमोशन जनरेट होगा, एक बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आपके मन में जनरेट होंगी, क्योंकि ट्रैफिक इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम। आप कुछ ऐसा ही बोलेंगे कि इट इज़ अ बिग हेडेक फॉर अस, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसको ठीक करना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट। तो जो भी आपका दृष्टिकोण है, जो भी आपका नज़रिया, आपका जो एक पर्सपेक्टिव है, एक व्यू पॉइंट है इस टॉपिक को लेके, वो हाईली नेगेटिव है। तो यही स्टूडेंट्स आपकी टोन है। टोन इज़ योर रिएक्शन टू समथिंग, इट इज़ योर फीलिंग अबाउट समथिंग। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको एक पॉजिटिव टोन का देती हूँ। अगर मैं आपसे बात करती हूँ या आपसे बोलती हूँ कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में मुझे 6-7 लाइन बताइए, उनके बारे में कुछ लिखिए, कुछ समझाइए, कुछ बोलिए, तो यहाँ आपका जो पूरा फीलिंग और एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा सडनली, बिकॉज यू विल से द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्सन। आप उनके बारे में अच्छे एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे। आप बोल सकते हैं माई फ्रेंड इज़ वेरी हेल्पफुल, माई फ्रेंड इज़ वेरी ऑनेस्ट, माई फ्रेंड इज़ वेरी वार्म पर्सन, माई फ्रेंड इज़ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। आपने देखा ये सारे एक बहुत पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन हो गए। तो यही हमारा एक टोन होता है। टोन पॉजिटिव भी हो सकता है ऑथर की, नेगेटिव भी हो सकती है ऑथर की। जिस मुद्दे के बारे में उनकी जो फीलिंग होगी, अकॉर्डिंगली टोन आपको वैसे ही उनकी दिखेगी। नाउ स्टूडेंट्स, टोन में भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं। आपको जब भी टोन के ऑप्शंस दिए जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो लास्ट ईयर के पेपर्स अगर आप एनालाइज करेंगे, लास्ट 5 ईयर्स के, चाहे SBI की बात हम कर लें यहाँ पे, या चाहे हम IBPS की मेन एग्जाम्स की बात कर लें, हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि टोन के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में। और जो ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं उसमें ज़्यादातर कुछ फ्यू वर्ड्स हैं जो रिकर करते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं आपको टोन के बारे में वो कीवर्ड जरूर समझाऊंगी आज, सो दैट जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं तो वो आप उससे फेमिलियराइज रहें। तो आइए देखते हैं एक बार कि ये टोन किस किस तरह की हो सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आई विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टोन, टोन ऑफ द पैसेज और टोन ऑफ द ऑथर। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया था कि टोन आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव टोन वो होगी आपकी जहाँ पैसेज को रीड करके बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स होंगी अबाउट द टॉपिक, आपका एक नेगेटिव इमोशंस होंगे माइंड में, एक आपका पर्सपेक्टिव जो बनेगा वो पूरा नेगेटिव ही होगा अबाउट द होल टॉपिक। ये ऑथर का नज़रिया हो सकता है, इट कैन बी द टोन ऑफ द ऑथर, इट कैन बी द टोन जो पैसेज में से खुद आपको एक निकल के आएगी। ऑन द अदर हैंड, पॉजिटिव टोन आपकी वो होगी जहाँ आप देख सकते हैं कि ऑथर के हैप्पी इमोशंस आपको दिखेंगे, ऑथर का जो पूरा व्यू पॉइंट है अबाउट द पैसेज, दैट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी हैप्पी। और
एक आपकी टोन हो सकती है जो कि न्यूट्रल टोन हो सकती है, जहां आप कह सकते हैं ना ही आपको हैप्पीनेस का इमोशन नजर आ रहा है, ना ही आपको किसी तरह का एक नेगेटिव इमोशन नजर आ रहा है। यहां आपको इमोशन नहीं दिखेगा, यहां आपको सिर्फ एक नैरेटिव दिखेगा, यहां आपको एक बहुत फैक्ट बेस्ड पैसेज दिखेगा। अब हम इनको डिटेल में थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। जब हम पॉजिटिव टोन्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव टोन्स भी कई तरीके की हो सकती हैं हमारी। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे एक बार फोकस करें, पॉजिटिव टोन में हो सकती है हमारी ऑप्टिमिस्टिक टोन। ऑप्टिमिस्टिक टोन वहाँ होगी जहाँ हम एक सकारात्मक चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक आशावादी नज़रिया है हमारा। वी हैव अ पॉजिटिव व्यू पॉइंट अबाउट समथिंग, लाइक आई कैन से कि वन डे द वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। इस सेंटेंस में होप है, एक उम्मीद है, इट इज़ अ पॉजिटिव टोन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक ह्यूमरस टोन की, तो ह्यूमरस टोन वहाँ होगी जहाँ आप देखेंगे ऑथर ने या तो किसी कॉमेडी स्टोरी का डिस्क्रिप्शन दिया है, या इट इज़ अ कॉमेडी पोएम, या फिर एक नॉन फिक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा फनी वर्ड्स यूज़ किए हों, फनी फ्रेजेस यूज़ किए हों, जहाँ पढ़ के आप एक अम्यूज्ड फील करें, एक अम्यूजमेंट आपके अंदर एक इंड्यूस होना चाहिए। ऑथर भी अम्यूज्ड आपको साउंड कर सकते हैं इसमें, खुद भी इनको रीड करके आप फील कर सकते हैं कि आपके अंदर एक ह्यूमर का, एक कॉमेडी का इमोशन जनरेट हुआ है। तो ये आपकी हो जाती है ह्यूमरस टोन्स, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई एक्चुअली जब आप पैसेज रीड करें। एक होती है आपकी अप्रिशिएटिव टोन। अप्रिशिएटिव टोन में जैसा कि नेम में ही लिखा है, अप्रिसिएशन छुपा हुआ होता है। यहाँ ऑथर जिस भी टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, ही इज़ अप्रिशिएटिंग द टॉपिक। इट कुड बी अबाउट सम गवर्नमेंट रिफॉर्म कि गवर्नमेंट ने ऐसा करके बहुत अच्छा स्टेप लिया। इट कुड बी अबाउट एन इंडिविजुअल कि सपोज हम बात कर रहे हैं आपके किसी हिस्टोरिक फिगर के बारे में, तो उन्होंने ये स्टेप्स बहुत अच्छे लिए थे सोसाइटी के बारे में। तो ऑल दीज आर अप्रिशिएटिव वे ऑफ टॉकिंग। तो ये हो गई आपकी अप्रिशिएटिव टोन्स, जहाँ हम किसी की तारीफ करते हैं। तो ये ब्रॉडली आपकी हो जाती हैं पॉजिटिव टोन्स। जनरली सवाल आप देखेंगे जो आपसे पूछे जाएंगे अबाउट द टोन, अगर वो पॉजिटिव टोन्स में होंगे तो एसेंशियली वो इन तीन टोन्स के आसपास ही आपके कहीं ना कहीं रोटेट करेंगे। अब हम जल्दी से देख लेते हैं आपकी नेगेटिव टोन्स। नेगेटिव टोन्स जैसे कि मैंने आपको एक ट्रैफिक का एग्जांपल देके अभी समझाया था, जिससे कि हमारे नेगेटिव इमोशंस जुड़े होते हैं टॉपिक के बारे में, ये भी कई प्रकार की हो सकती हैं। देखते हैं कौन कौन से। एक है आपकी पेसिमिस्टिक टोन, ये एक बहुत निराशावादी टोन होगी आपकी, एक बहुत ही आप कह सकते हैं नकारात्मक व्यू पॉइंट इसमें छुपा हुआ होता है। लाइक अगर मैं बोलती हूँ कि वर्ल्ड में वाटर प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती, तो यहाँ मेरा पेसिमिज्म आ रहा है बाहर। सिमिलरली अगर ऑथर आपसे कुछ ऐसा बोलते हैं कि वर्ल्ड में पीस होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज देर इज़ सो मच वॉयलेंस, तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म छुपा हुआ है, ऑथर की नकारात्मकता आपको दिख रही है, ऑथर का एक निराशावादी व्यू पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो दिस इज़ बेसिकली पेसिमिस्टिक टोन। सेकेंड हो गई आपकी क्रिटिकल टोन। अब क्रिटिकल टोन आप कहेंगे क्या है, तो क्रिटिकल टोन जैसा कि क्रिटिकल वर्ड में ही आपको समझ में आ रहा है मीनिंग, इट इज़ अबाउट क्रिटिसिज्म, किसी भी चीज़ की नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट करना। मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है आपको एक ऐसा पैसेज दिया गया है जहाँ ऑथर ने मॉडर्न स्कूलिंग की बुराई लिखी हो कि मॉडर्न स्कूलिंग में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो ऑथर इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज द मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम, तो ये आपकी हो गई क्रिटिसिज्म की टोन। थर्ड हो सकती है आपकी सरकास्टिक टोन। नाउ व्हाट इज सरकास्टिक टोन? सरकास्टिक टोन इज समवेयर अबाउट सरकाज्म, जहां आप बुराई तो करते हैं मगर डायरेक्ट गलत वर्ड्स इस्तेमाल करके बुराई नहीं करते, इट इज़ ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म। सरकाज्म को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म। यहाँ मैं किसी चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में ही बात करूँगी, बट जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होगा वो मेरा नेगेटिव नहीं होगा, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक व्यंग, जैसे आप हिंदी में समझते हैं। इसको भी फाइंड आउट करना आपके लिए इजी रहेगा वंस यू रीड द फुल पैसेज। देन हम बात करते हैं दूसरे तरह की नेगेटिव टोन की, जो होती है एक्यूजेटरी। एक्यूजेटरी से हमारा मतलब है किसी को अक्यूज़ करना। अक्यूज़ करना मतलब कि दोष देना, किसी को ब्लेम करना। अगर आपके पैसेज में ऑथर ने आपसे डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट स्कीम है फिनेंशियल रिफॉर्म्स की बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो बहुत गलत है और उससे बैंकिंग सेक्टर को बहुत नुकसान होगा और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज नहीं लेनी चाहिए, इट इज़ टोटली देयर मिस्टेक, तो यहाँ मैं गवर्नमेंट को अक्यूज़ कर रही हूँ। आई एम काइंड ऑफ सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट देयर इनिशिएटिव, तो ये हो गई एक्यूजेटरी टोन, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ब्लेम देम। तो इजी वर्ड्स में आप इसको समझ सकते हैं अबाउट ब्लेमिंग समबडी, ये हो गई हमारी ब्लेमिंग टोन, एक्यूजेटरी टोन। नेक्स्ट आपकी हो सकती है लेमेंटिंग टोन। लेमेंट करने से हमारा मतलब होता है किसी भी चीज़ पे पछतावा प्रकट करना, टू रिग्रेट अबाउट समथिंग, आप इसको समझ सकते हैं इजी वर्ड्स में रिग्रेट। अगर ऑथर किसी बारे में रिग्रेट कर रहे हैं, अगर ऑथर किसी चीज़ के बारे में ये बता रहे हैं कि ऐसा जो हुआ ये गलत हुआ, तो उसको हम लेमेंटिंग टोन भी बोल सकते हैं। सपोज इफ ऑथर इज टेलिंग अस कि वर्ल्ड में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी है उसकी वजह से कितना डिप्रीविएशन, कितनी गरीबी, कितनी इनइक्वालिटी फैल रही है, तो इट इज़ लाइक ऑथर इज रिग्रेटिंग अबाउट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ही इज लेमेंटिंग ओवर इट।
ये हो जाती है आपकी रिग्रेटिंग टोन। तो स्टूडेंट्स ब्रीफली ये हो गई आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव टोन्स, दोनों को ही हमने डिटेल में एनालाइज किया। नाउ एक और तरह की आपकी टोन्स होंगी न्यूट्रल टोन्स। न्यूट्रल टोन्स मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया था वहाँ पर आपकी ज़्यादा आएंगी, जहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप कोई पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू पॉइंट निकल के नहीं आ रहा है। यहाँ हम जनरली तीन तरह के आप देखेंगे कि पैसेजेस हो सकते हैं जिनकी टोन न्यूट्रल होती है। वो होंगे आपके नैरेटिव्स। अब आप पूछेंगे व्हाट आर नैरेटिव्स। नैरेटिव वो होगा जहाँ ऑथर आपको सिर्फ एक नरेशन बता रहे हैं, अ सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स और अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इट कैन बी अ स्टोरी, इट कैन बी अ नॉन फिक्शन, इट कैन बी अबाउट अ सिचुएशनल डिपिक्शन, इट कैन बी अबाउट अ न्यूज़ आइटम। यहाँ सिर्फ आपको नरेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से ऑथर का कोई संबंध नहीं है। ये एक हाईली न्यूट्रल टोन है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है डिस्क्रिप्टिव टोन। डिस्क्रिप्टिव टोन का मतलब, जैसे कि वर्ड डिस्क्रिप्टिव ही अपने आप में एक आपको समझा रहा है, डिस्क्रिप्टिव टोन से मतलब होता है हमारा टू डिस्क्राइब, अ टोन वेयर वी आर बीइंग डिस्क्राइब्ड समथिंग। ऑथर यहाँ हमें कई चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सपोज किसी फिनोमिना को, किसी साइंस फिनोमिना को, किसी इकोनॉमिक्स के फिनोमिना को, मे बी योर पैसेज इज अबाउट इन्फ्लेशन। ऑथर ने आपको बताया वॉट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किस प्रकार के होते हैं। सो दीज आर ऑल डिस्क्रिप्टिव थिंग्स, क्योंकि यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। या सपोज अगर आप साइंस के टॉपिक की बात करते हैं तो ऑथर ने आपको बताया है सपोज अबाउट लंग्स, वट आर लंग्स, वट आर द फंक्शन ऑफ लंग्स, वट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लंग्स। अगेन ये आपके डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस में आ गए विच डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर फिनोमिना। नेक्स्ट कम्स योर इन्फॉर्मेटिव टोन। इन्फॉर्मेटिव टोन आपकी कौन सी टोन होती है? ये वो वाली टोन होगी जहाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगेन यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिंपली हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट फैक्ट्स, इट कैन बी अबाउट फिगर्स, इट कैन बी अबाउट ईयर। लेट्स राइट दिस डाउन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नाउ योर इन्फॉर्मेशन कैन बी अबाउट अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल एनी पर्टिक्यूलर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग, इवेंट्स, डेट्स, कॉन्सेप्ट्स। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ इन्फॉर्म की जाएंगी, ऐसे हुआ था, ऐसा किस डेट में हुआ था, ये कौन सा इवेंट है, इसके पीछे किसके नेम्स हैं। सो बेसिकली इट इज़ ओनली टू गैदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ टोन आपकी इन्फॉर्मेटिव होगी। ऑथर का मेन पर्पज़ है आपको इन्फॉर्मेशन देना एंड नथिंग एल्स। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा ये हो गई आपकी एसेंशियल टोन्स। तो आई एम श्योर इससे आप ये समझ गए होंगे कि टोन ऑफ द ऑथर वाले क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं, बिकॉज यू हैव ऑल द कीवर्ड्स नाउ, ऑल द सीक्रेट्स बिहाइंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पे, जो कि आपके होते हैं राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट्स। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट्स में सिंपली क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हियर आर रॉन्ग और इनकरेक्ट। इसमें आपको 4 से 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। इंटरेस्टिंगली ये ऑप्शंस पूरे पैसेज में भी स्पैन कर सकते हैं। मे बी वन ऑप्शन आपका पैसेज 1 से ले लिया गया हो, ऑप्शन नंबर बी आपका पैसेज में सेकेंड पैराग्राफ से पिकअप किया हो, ऑप्शन नंबर सी आप कंक्लूजन वाले पार्ट में से पिकअप किया हो। बट एनीवे आप पूरा पैसेज रीड करेंगे ही करेंगे टू आंसर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसलिए राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना आपके लिए इजी हो जाएगा वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए भी एक फुल पैसेज के बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, देन ओनली यू कैन कॉन्फिडेंटली सॉल्व व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये हम अपने एग्जांपल सॉल्व करके और डिटेल में अभी समझेंगे। ओके, अब आपका लास्ट ऑप्शन हो गया विच इज़ लाइक सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अगेन ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम एरिया होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पूरा समझ जाते हैं पैसेज का मतलब, उसके बाद भी जब सूटेबल टाइटल की बात आती है तो लॉस्ट इन थॉट्स हो जाते हैं। वी एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज़ अ क्रिएटिव क्वेश्चन, कहीं ना कहीं कॉल्स अपॉन यू टू बी वेरी इनोवेटिव, और कहीं ना कहीं ये आपकी थिंकिंग और आपकी इमेजिनेशन से आता है। तो बहुत सारा टाइम हमें सोचने में निकल जाता है कि टाइटल क्या होगा, कैसा हो सकता है, अच्छा करें कि गलत लिखें, मतलब कैसे इसको सबसे अच्छा टाइटल हम प्रोवाइड करें। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि सिंपल सी टिप ये है कि आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, डो नॉट वेस्ट टाइम ऑन थिंकिंग कि टाइटल अच्छा दे रहे हैं हम, कि हमने जो टाइटल दिया वो अच्छा नहीं है। डोंट गो बिहाइंड दिस काइंड ऑफ जजमेंट। आप बस ये समझिए कि सूटेबल टाइटल वो होता है जिसको पढ़ के ही इंसान को ये अंदाज़ा लग जाता है कि पैसेज में क्या डिस्कशन का टॉपिक है।
इसीलिए सूटेबल टाइटल को समझने के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रिक ये होगा कि जो आपके पैसेज का मिडिल वाला पार्ट होगा, जो मिडिल पैराग्राफ होगा, सबसे लंबा भी जनरली वही होता है, उसमें ही आप कहीं ना कहीं टाइटल्स उसमें से ज़रूर पिकअप करिए, क्योंकि उसमें टेक्स्ट की बॉडी सबसे ज़्यादा इलैबोरेट की जाती है। सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेकेंड पैराग्राफ में ही मिलते हैं, नॉट इन द कंक्लूजन रियली एंड नॉट इन द इंट्रोडक्शन। वो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए होते हैं। मेन बॉडी इज मोस्ट इन्फॉर्मेटिव, इसलिए टाइटल आपका इस पर बेस्ड हो तो सबसे बेहतरीन आपके लिए रहेगा। इसलिए जब भी आप सूटेबल टाइटल की बात होती है, ऐसे कीवर्ड्स पिक करिए आप, लेट्स राइट दिस डाउन ऑल्सो, आप ऐसे कीवर्ड्स को पिक करिए जो कि मिडिल ऑफ द पैसेज में से लिए जाएं। इससे आप ऐसे कीवर्ड्स देने में समर्थ हो जाएंगे, केपेबल हो जाएंगे, जो कि पूरे पैसेज का आपको एक स्नैपशॉट देते हैं, जिसको देखते ही हमें पैसेज के बारे में एक आइडिया लग जाए। तो स्टूडेंट्स, ये 5 वैरायटीज जो हमने अभी डिस्कस की क्वेश्चंस की, एसेंशियली आपके जो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं में रिवॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं, समवेयर ऑर दी अदर ये इन टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार आप इन्हें अच्छे से समझ लें, एक बार अच्छे से इन्हें रीड कर लें, इनके बारे में नोट्स बना लें, इन्हें हाईलाइट कर लें, मीन्स दीज 5 ये जो हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट वेपन्स आप बोल सकते हैं इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इन कीवर्ड्स को आप माइंड में ज़रूर रखें बिफोर प्रोसीडिंग टू सॉल्विंग योर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, अब हम चलते हैं और कुछ पैसेज बेस्ड एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, अपने एग्जाम्पल पैसेजेस को अच्छे से रीड करते हैं और इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सो दैट आपको पता चल जाए कि जो भी मेथडोलॉजी हमने अभी पढ़ी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा है, क्या आप उसको ठीक से समझ पाए हैं, और अगर समझ पाए हैं तो कितनी एफिशिएंटली आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट वॉक यू थ्रू ऑल दीज पैसेजेस और हम एक के बाद एक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर पैसेज नंबर 1। और जैसा कि हमने पहले ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था, बिफोर बिगिनिंग ऑफ एनी पैसेज हम पहले 3 लाइन्स ज़रूर पढ़ेंगे, और पहले 3 लाइन्स पढ़ने के बाद रिवर्स मेथडोलॉजी यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को जाके ज़रूर देखेंगे और उससे हम आइडिया लगाएंगे। ये हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमारा इन्फरेंस का सेक्शन है, इसलिए हम डायरेक्टली क्लू वर्ड्स तो पिक नहीं कर सकते क्वेश्चंस से और जाके पैसेज में हम उन्हें पुल आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें नहीं मिलेगी। पर हम ये ज़रूर करेंगे कि पहले पैसेज को समझ के क्वेश्चंस को जाके एक बार देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। जब हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं, तो हम जाके पैसेज की एक डिटेल स्टडी करेंगे और देखेंगे अगर हमें कहीं क्वेश्चंस का कोई क्लू वर्ड स्ट्राइक करता है या कोई रेफरेंस मिलता है तो अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट जरूर करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट रीडिंग आवर पैसेज एंड आई विल बिगिन रीडिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ द ब्रांचेस ऑफ बैंक्स हैव बीन सेट अप इन द विलेजेस। द मेन पर्पस ऑफ सेटिंग अप दीज बैंक्स इज टू डिवेलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द विलेजर्स एंड ऑल्सो गिव्स लोन टू द फार्मर्स फॉर बूस्टिंग द प्रोडक्शन इन वन वे और द अदर वे। तो स्टूडेंट्स, पहले 3 लाइन पढ़ के इतना मुझे क्लियर हो गया है एंड आई एम श्योर आप भी समझ गए होंगे कि एक ब्रॉड बेसिस ऑफ डिस्कशन इस पैसेज में आपका होने वाला है अबाउट बैंकिंग सिस्टम, अबाउट विलेज बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि हमने दोनों चीज़ों के बारे में टच अपॉन किया है फर्स्ट 3 लाइन्स में। एक है आपका बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात हुई है और एक उनको विलेज में सेटअप करने की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं टॉपिक का आइडिया हमें लग गया है। अब हम रिवर्स मेथड यूज़ करते हैं और जाके क्वेश्चन आंसर्स को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज इज, पर्पस से हम बोल सकते हैं थीम, सेंट्रल आइडिया, पैसेज का मेन पर्पस, सेंट्रल आइडिया और थीम क्या है। ऑलरेडी हमने अपने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि जब इस तरह के सवाल आए तो हम इनको पैसेज से ड्रॉ करेंगे पूरा पैसेज रीड करने के बाद, इसलिए आप अपने क्वेश्चन के कीवर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, मेन पर्पस, थीम और सेंट्रल आइडिया पैसेज का क्या है। एक बार ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ए, पुअर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल फार्मर्स। बी, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सी, द नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग रूरल बैंक्स। एंड डी, द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टू हेल्प फार्मर्स। ये पढ़ने के बाद चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम इन क्रिएटिंग रूरल बैंक्स इज, आप प्लीज क्वेश्चन के कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। बिगेस्ट प्रॉब्लम पूछी गई है हमसे इन क्रिएटिंग रूरल बैंक्स, मतलब बैंक्स इन रूरल एरियाज और विलेज एरियाज। एक बार जल्दी से अपने ऑप्शंस पे स्विफ्ट थ्रू कर लीजिए आप। ए, द फार्मर्स हैव नो क्रेडिट वर्दीनेस। बी, हाउ टू रिक्रूट स्टाफ फ्रॉम द विलेजेस। सी, विलेजेस डू नॉट वांट टू गेट द बैंक एस्टैब्लिश्ड इन विलेजेस, विलेजर्स डू नॉट वांट दिस। एंड ऑप्शन नंबर डी, विलेजर्स हैव नो फेथ इन द गवर्नमेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ हैविंग बैंक्स इज, तो प्लीज इन्हें अंडरलाइन करिए आप कीवर्ड्स को, मेन पर्पस ऑफ हैविंग द बैंक्स, बैंक्स की नीड। ऑप्शंस एक बार जल्दी से देख लीजिए।
to encourage saving among people, to replace institutions like money lending agencies, to re-channelize money in big cities to villages, to boost the economy of the villages. And एक बार हम जल्दी से अपना last question analyze कर लेते हैं. Choose a suitable title for the passage. Interestingly, अभी हमने detail में बात की थी कि how to choose a suitable title. So it will be a lot of fun. जो हमने सीखा था उसको आगे इस question पे apply करेंगे और देखते हैं कितना successful हमारा trick इसमें prove होगा. तो आप इसका keyword underline कर लीजिए. Choose a suitable title for the passage. They have given you 4 options. We will come back to this later after finishing the passage and see which title will suit the best. तो चलिए passage पे वापस जाते हैं. और जो भी क्वेश्चंस में हमने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए, स्टूडेंट्स इसको कहीं ना कहीं माइंड में ज़रूर रखिए. यही पर्पस होता है कीवर्ड अंडरलाइन करने का, क्योंकि अंडरलाइन चीज़ ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में रहती है और उसको कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं जब हम पैसेज रीड करने जाते हैं. तो यही चीज़ आपको यहाँ करनी बहुत ज़रूरी है. कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना इज़ ओनली नॉट माई पर्पस, इट इज़ ऑल्सो कि वो आपके माइंड में रहे. तो जल्दी से एक बार माइंड में रिवाइज कर लीजिए कि पूछा गया था पर्पस ऑफ द पैसेज, बिगेस्ट प्रॉब्लम इन क्रिएटिंग बैंक्स, मेन पर्पस ऑफ हैविंग द बैंक्स और सूटेबल टाइटल. तो चलिए हम पैसेज रीड करने के लिए प्रोसीड करते हैं. फर्स्ट 3 लाइंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और फर्स्ट 3 लाइंस जब हमने पढ़ी थी तो आपको याद होगा सेकेंड लाइन में ही कहीं ना कहीं एक बैंक्स की नीड के ऊपर हमने कुछ डिस्कशन किया था. तो लेट्स रीड इट एंड सी इफ वी कैन फाइंड द आंसर्स. द मेन पर्पस ऑफ सेटिंग अप द बैंक्स इज टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंगस्ट द विलेजेस एंड ऑल्सो गिव लोन टू द फार्मर्स फॉर बूस्टिंग द प्रोडक्शन इन वन वे और अनदर. क्वेश्चन के कीवर्ड्स कहीं ना कहीं हमें इसमें मिल रहे हैं अगर आप गौर करें तो. मेन पर्पस ऑफ सेटिंग अप these banks is to develop the habit of saving money amongst the villagers. I think हमें इसमें से हमारा आंसर मिल सकता है, but given it's an inference based question, तो पहले आप पैसेज को रीड कर लीजिए. So far the banks have been concentrated in the big cities and Indian villagers had no faith in them. The new banks also intend to re-channelize bank credit from the big industries to the small sectors. With the intention to promote rural banking, regional rural banks were established. These combined the rural field with the rural problems. These banks are not to replace the other credit giving bodies, but to supplement them. First paragraph हमसे clearly बता रहा है कि what is the purpose of banks, what is the need of having these rural banks. पूरे 2 questions आपके इसी topic पे based हैं कि need क्या है banks की, purpose क्या है rural banks का. इसलिए इस paragraph को आप अच्छे से समझ लीजिए और जहाँ भी आपको लग रहा है answers मिलने की संभावना है उसे ज़रूर underline करिए. These banks are not to replace the other credit giving agencies, but to supplement them. These banks also intend to re-channelize bank credit from the big industries to the small sectors and they have the intention to promote rural banking. To chaliye ab next paragraph pe aap aa jaiye. The steering committee of the regional rural banks considered some structural changes. First of all, they gave thought to the staffing spectrum, then to effective coordination among banks, rural cooperatives and commercial, and the possibility of bringing credit within the axis of weaker sections. They wanted to recruit the staff for the rural banks at a lower salaries, but this type of discrimination would have been dangerous, so it was given up. Second paragraph में students, it's a very short paragraph. इसको समझना भी इसीलिए आसान है. यहाँ बात कर रहे हैं ये कि regional rural banks को establish करने में इनको क्या problems आई government को. तो सबसे बड़ी इसमें लिखा है कि जो इनकी problem रही वो ये रही कि कैसे हम इन banks का staff recruit करें village से. आप देख सकते हैं clearly it is written here. कि दे वॉन्टेड टू रिक्रूट द स्टाफ एट द लोअर सैलरीज बट दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल क्योंकि इट वॉज डेंजरस. तो इसलिए दिस आइडिया वॉज गिवन अप इनिशियली. रीजनल रूरल बैंक्स करने के पीछे जो पर्पज था वो एक बहुत ये था कि वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के जो विलेजेस में हैं आपको उनको क्रेडिट मिले, उनको मनी पावर मिले. बट चूंकि स्टाफिंग वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम, स्टाफ रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा उनके लिए इशू था, इसलिए दिस आइडिया वॉज नॉट सक्सेसफुल, इट वॉज टोटली गिवन अप. This we come to know through our second paragraph. अब हम अपने third paragraph में आ जाते हैं. And in the meanwhile, अगर आपको second paragraph में कोई बहुत specifically tough words मिले, क्योंकि ये एक बहुत individual चीज़ होती है, vocabulary is like some people may know more words than other people, तो इसलिए आपको अगर ऐसे कोई words नज़र आते हैं या अगर आपको ऐसा कोई important point नज़र आता है जिसमें से आपको बाद में लगता है कि yes, I can underline this and it will be like good for me to remember this point, तो आप feel free करिए, उसे underline करिए और उसे highlight भी कर सकते हैं आप, so that उस पर आपका focus लंबे time तक बना रहे. Now let's read the second last paragraph. Another problem with regard to the rural banks is the creditworthiness of the poor. Creditworthiness एक बड़ा word है और यहाँ हम creditworthiness of the poor की बात कर रहे हैं, village में जो farmers हैं उनकी बात कर रहे हैं. और ये एक regional rural bank की बहुत बड़ी problem है according to the passage.
स्टूडेंट्स क्रेडिट वर्थनेस का मतलब सिंपली यहाँ पे होगा द एबिलिटी टू रीपे समबडीज लोन, जो कि रूरल फार्मर्स में नहीं होती है ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो थर्ड पैरा में इन्होंने डिस्कस की है. लेट्स रीड ऑन. इंडियन फार्मर्स आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट पे बैक देयर लोन्स. इंडियन फार्मर्स की जो फाइनेंशियल स्टेट है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा खराब है कि वो अपने लोन्स पे नहीं कर सकते, जो उन्हें मिल भी जाएं गवर्नमेंट से लोन्स. तो रूरल इंडियन सर्वेज इट क्वाइट क्लियर दैट प्रैक्टिकली दे हैव नो क्रेडिट वर्थनेस. देयर सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो. लॉन्ग अगो इन रांची द गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटेड विद द आइडिया ऑफ एडवांसिंग लोन, बट द एक्सपेरिमेंट फेल्ड. That is why the banks used to fear that their credit would never be paid back. Rural bank establish करने की एक और समस्या highlight की गई है third paragraph में, कि farmers की credit worthiness बिल्कुल नहीं थी, they could not repay their loans. तो इसलिए इनका एक experiment already fail हो चुका था bank establish करने का in Ranchi. इसीलिए banks establish करने में government को ये fear था, ये डर था कि उनका जो loan मिल दिया जाएगा farmers को वो कभी भी paid back नहीं होगा. Now let's read the last passage, concluding passage. Another difficulty for the rural banks is that loans cannot be easily processed. Processing loans will also entail heavy expenditure. यहाँ हमें बताया जा रहा है पैसेज में कि गवर्नमेंट के अंदर एक फियर अगर ये था कि उनको लोन्स वापस नहीं मिलेंगे फार्मर्स से, तो जो दूसरा फियर था वो ये है कि बैंक्स को एस्टैब्लिश करना वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग फॉर द गवर्नमेंट. इट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट देयर फाइनेंशियल पोजिशन. Still, the establishment of the rural banks has been decided because the social advantages are more important than the commercial considerations. यहाँ पे आप देख सकते हैं students, हमें clearly ये बात पता चल रही है कि last वाले paragraph में ये discuss किया गया है कि it was very very difficult for the government to establish these rural banks. It was difficult because उनकी credit worthiness की भी problem थी, staffing की problem थी, and the worst problem that happened वॉज की एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो था गवर्नमेंट के लिए बहुत हैवी था. बट इंटरेस्टिंगली उसके बावजूद भी डिस्पाइट दैट रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स का सोशल वेलफेयर जो था वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल कंसर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो दिस एसेंशियली इज वॉट वी हैव रेड इन दिस पैसेज. तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन पे जाके देखते हैं कि हमने कितना समझा है. क्वेश्चन नंबर वन था द मेन पर्पस और द थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज इज. ऑप्शंस आप पढ़ चुके हैं तो आप एक जल्दी से उनमें नजर देखिए कि कैसे आपने इसमें से राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर रीडिंग द फुल पैसेज नाउ. ऑप्शन नंबर ए पुअर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल फार्मर्स. बी द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन बैंक. सी द नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग द बैंक्स. एंड डी द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट. इट गोज विदाउट सेइंग कि पूरे पैसेज में उन्होंने बात की है the need for establishing rural banks. तो इसलिए the correct answer is also my option number C, कि regional rural banks की ज़रूरत हमें villages में क्यों है. Let's come to the option number 2. Biggest problem in creating rural banks is, हमने इसी बारे में discussion किया है across the whole passage, and we know by seeing the option number A, कि farmers have no credit worthiness. ये सबसे बड़ी problem है banks बनाने की, तो this is my correct option. आप इसे click कर सकते हैं. And you can move on to the next question. The main purpose of having banks is, banks को बनाने का main purpose आपका क्या है? अगर आपको याद होगा, जल्दी से एक बार आप passage में आ जाइए. हमने first few lines में ही underline किया था, the main purpose of setting up of these banks is to develop habit of saving amongst the villagers. इसलिए now that I'm giving this question, I know कि the answer is to encourage saving among people. आप अपना right option select कर लीजिए. और लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए. चूज अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. अब ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर इसका पैसेज से तो नहीं मिलेगा आपको, बट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि द ट्रिक फॉर सेलेक्टिंग द डायरेक्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज विल बी कि आप सेंट्रल पार्ट ऑफ द पैसेज को थोड़ा केयरफुली रीड करें. यहाँ सेंट्रल पार्ट ऑफ द पैसेज में आपके दो पैराग्राफ्स हैं, और रीड करने के बाद, अंडरलाइन करने के बाद आपको ये क्लियर है कि इसमें आपने मोस्टली क्या पढ़ा है. तो आपने इसमें यही रीड किया था कि कैसे क्रेडिट की इंपॉर्टेंस है विलेजेस में, ये सब हमारे अंडरलाइन पार्ट्स हैं, कैसे इनको प्रॉब्लम हुई यहाँ बैंक स्टैब्लिश करने में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रूरल फार्मर्स की क्रेडिट वर्थनेस. अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस टाइटल में क्या क्या दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर 1 सेज बैंकिंग एंड रूरल सेक्टर्स. 2 द प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिट रिकवरी. 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन बैंक्स. डी द सोशल नीड फॉर रूरल बैंकिंग सिस्टम. ऑल्दो ये सारे ही ऑप्शंस ओवरलैपिंग हैं, दे आर ऑल वेरी सिमिलर एंड ऑल आर काइंड ऑफ अप्रोप्रिएट, बट क्योंकि हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है तो हम लिख सकते हैं कि जो मेन टाइटल आप दे सकते हैं इस पैसेज का वो होना चाहिए बैंक्स एंड द रूरल सेक्टर, क्योंकि बाकी सब पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं. बट जो फर्स्ट वाला आपका टाइटल है बैंक एंड द रूरल सेक्टर, ये पूरे पैसेज की समरी एक तरह से आपको बता रहा है कि इस बारे में पूरा पैसेज है. तो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ वी सॉल्व आवर एग्जाम्पल नंबर 1.
आई होप आपको रिवर्स मेथडोलॉजी से इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ हेल्प जरूर हुई होगी. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट्स प्रोसीड विद एग्जाम्पल नंबर टू और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं. सो लेट इज बिगिन रीडिंग द पैसेज. लेट्स रीड ऑन. India has managed to woo China for additional supplies of Japanese encephalitis vaccine for expansion of its government's immunization program. However, India may have to pay more for the additional supplies, official sources said. Students, first three lines padhke hume itna samajh mein aaya hai ki the topic of discussion is some kind of government's immunization program, government ka vaccination ka program. Ye ek medicine se related topic hai aur kahin na kahin isme baat ki jayegi international relations ya trade ki bhi, kyunki we are talking about the medicine trade between India and China. Ye samajhne ke baad let's use the reverse methodology. Hum questions ko jaake dekhte hain ki kya pucha gaya hai questions mein. Question number 1, what is the central theme deduced from the passage? Interestingly, isme central theme bhi puchhi gayi hai and it is talking about deduction. To hum dekhte hain kaise hum central theme deduce karenge. Aap please apne keywords underline zarur kar lein. Central theme deduced from the passage. Students, ye choice aapke paas khud hai. It's an individual choice ki aap साथ साथ में आप ऑप्शंस पढ़ना चाहते हैं सो दैट बाद में आपको रीड ना करना पड़े, या पूरा पैसेज पढ़ के इंफ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने के टाइम ही आप उनके ऑप्शंस पढ़ें. इट्स आल्सो अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस. पर यहाँ हम एक रीड ज़रूर देंगे ऑप्शंस को, क्योंकि इंफ्रेंस क्वेश्चंस में डायरेक्टली जैसे हमने डिस्कस किया आंसर नहीं मिलते, तो अगर हम ऑप्शंस को माइंड में रखेंगे तो उन्हें लोकेट करना भी हमारे लिए समवॉट ईजी हो जाता है. तो लेटेस्ट क्विकली रीड दीज ऑप्शंस ऑल्सो. ए, इनसफिशेंसी ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर. B, over dependence of India on China for pharmaceutical supply. C, rising cases of Japanese encephalitis in India. D, the dialogue between India and China about important issues. ये देखते हुए, let's go to the question number 2. Which statements are incorrect with reference to this passage? Please आप अपने keywords underline कर लीजिए. Which statements are incorrect with reference to the passage? करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने ऑलरेडी अपनी टिप्स डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन पार्ट में. वी नीड टू एक्चुअली नो द इन्फॉर्मेशन फ्लो ऑफ द होल पैसेज. तो लेट्स गिव इट अ क्विक रीडिंग नाउ. ए, इंडिया इम्पोर्ट्स 80% ऑफ इट्स मेडिसिन रॉ मटेरियल फ्रॉम द अदर कंट्रीज. ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक मेडिसिन. ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड चाइना वॉन्ट टू जॉइंटली डेवलप अ फार्मास्यूटिकल कमिटी. एंड ऑप्शन नंबर डी सेज नन ऑफ द अबव. अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए. व्हाट इज द एसेंशियल टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज. आई एम रियली हैप्पी कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू आंसर दिस, क्योंकि हमने टोन को लेके ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कशन किया है एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर हम एग्जाम्पल के साथ और डिटेल में इसको समझ पाएंगे. तो चलिए इसको आप जल्दी से अंडरलाइन कर लीजिए. एसेंशियल टोन ऑफ द पैसेज. टोन में आपके 5 ऑप्शंस हैं. हमने इन सबके बारे में बात की है तो आई थिंक व्हेन वी कम टू सॉल्विंग इट वी विल फाइंड इट क्वाइट ईजी. And now the last question is pick out the incorrect pair. Again, incorrect or correct question में choose करना है. आप इसे underline कर लीजिए incorrect pair. पर एक बार options में अगर आप look लें तो आपको पता चलेगा ये inference से ज़्यादा कहीं ना कहीं it is overlapping between vocabulary section and inference based section. तो inference तो आपको लेना ही है but साथ में यहाँ पे एक आपका vocabulary test भी हो रहा है. कभी कभी rarely but ऐसे questions भी आ सकते हैं जो overlap करें आपके दो sections के बीच में. तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ओवरलैप सा क्रिएट हो रहा है बिटवीन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस और कहीं ना कहीं आपके वोकैबुलरी सेक्शन, विच इज़ ओके, क्योंकि एक बार हम इन्फरेंस डिराइव कर लेते हैं तो वोकैबुलरी भी डिसाइड करना हमारे लिए ईजी हो जाता है. सो लेट्स कम बैक टू द पैसेज नाउ और अपने क्वेश्चन के सारे कीवर्ड्स को आप एक क्विक थॉट दे लें कि आपको सेंट्रल थीम ढूंढनी है, आपको टोन देखनी है, आपको पता लगाना है ऑप्शंस में से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. तो चलिए लेट अस गो बैक टू द पैसेज एंड रीड ऑन फ्रॉम द थर्ड लाइन ऑनवर्ड्स. China has earlier refused to support more vaccines to India than what is being supplied, citing capacity constraints and commitments to other countries. Problems have been taken care of. This is a quotation. So which means hum kisi individual ke dialogue ke bare mein baat kar rahe hain. So let us read it. Problems have been taken care of. They have agreed for the additional supplies. We are comfortable on that issue. But still much more is needed as we would like to take more stocks. We are in a continuous dialogue with them. सेड यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा. ये एक कोई आपके यूनियन मिनिस्टर का डायलॉग है. यहाँ पे आप इसे ब्रैकेट्स में डाल सकते हैं जस्ट टू मेक इट स्टैंड आउट कि ये आपने किसी का डायलॉग रीड किया था. नेक्स्ट, नड्डा हु लेफ्ट फॉर चाइना टू अटेंड इंटरनेशनल इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डिवेलपमेंट सेड द टू कंट्रीज नीड टू डिस्कस एंड डिलिबरेट ऑन द हेल्थ बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अपकमिंग विजिट टू बीजिंग. PM Modi is expected to visit China around May or June 2015.
दिस मोर लुक्स लाइक अ न्यूज़ एक्सर्प्ट टू मी. ये मुझे एक न्यूज़ पीस लग रहा है स्टूडेंट्स 2015 का, जिसमें कि इंडिया और चाइना के डायलॉग के बारे में डिस्कशन किया है. तो चलिए लास्ट पैराग्राफ पे भी एक बार नज़र देते हैं. अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज, ट्रेड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बिटवीन द टू कंट्रीज इज फाउंड टू बी वन ऑफ द की इशूज ऑन द एजेंडा. इंडियाज ओवर डिपेंडेंस ऑन की वैक्सीन्स एंड मेनली फॉर सोर्सिंग ऑफ रॉ मटीरियल यूज्ड इन मेडिसिन हैज बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट. दो इंडिया इटसेल्फ इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक मेडिसिन. ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो एक बार इसे अंडरलाइन कर सकते हैं. इट इम्पोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ बल्क ड्रग्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेडिसिन फॉर्मुलेशंस फ्रॉम चाइना. अगेन ये एक काफ़ी ज़रूरी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि इंडिया अपना 80% ड्रग्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आपके चाइना से इम्पोर्ट करते हैं. Even intelligence agencies have warned that overdependence on China in such medicine can cause severe shortage in India. Now students, हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया. पैसेज का एक सार, एक समरी भी हमें क्लियर हो गई होगी कि इट इज़ अबाउट सम काइंड ऑफ मेडिसिन सप्लाई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इंडिया में कैसे मेडिसिन के रॉ मटेरियल्स की कमी है जो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, और कैसे हमें हमारे यूनियन मिनिस्टर ने अश्योर किया है इस पैसेज में कि डायलॉग चाइना से उनके ऑनगोइंग हैं, चाइना और भी मेडिसिन सप्लाई करेगी. हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बिटवीन बोथ द कंट्रीज. तो अब क्वेश्चन को चल के लेट्स अटेम्प्ट सॉल्विंग दैम. क्वेश्चन नंबर वन हमने पढ़ा था, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज. तो चलिए हम अपना ऑप्शंस देख के पता लगाते हैं कि क्या हम डिड्यूस करते हैं अबाउट द सेंट्रल थीम. ए, इनसफिशिएंसी ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर. बी, ओवर डिपेंडेंट ऑफ इंडिया ऑन चाइना फॉर फार्मास्यूटिकल सप्लाई. सी, द राइजिंग केसेस ऑफ जापानीज एनसेफलाइटिस इन इंडिया, द डायलॉग बिटवीन चाइना एंड इंडिया अबाउट इंपॉर्टेंट इशूज. स्टूडेंट्स, सारे ही टॉपिक्स एक तरह से देखा जाए तो सही हैं, अप्रोप्रिएट हैं, बट जो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है जिसको रीड करके हमें पूरे पैसेज का एक क्विक आइडिया लग जाता है, वो डेफिनेटली है आपका ऑप्शन नंबर वन, द इनसफिशिएंसी ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में 80% हमारा जो मेडिसिन सेक्टर है वो चाइना पे डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के लिए मेडिसिन की. तो वी डू टॉक अबाउट द इनसफिशिएंसी ऑफ मेडिसिन. तो यू कैन क्लिक योर ऑप्शन नंबर ए विच इज़ द मोस्ट लाइकली राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर टू, विच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू दिस पैसेज. इसमें हम एक बार अपने सारे स्टेटमेंट्स एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे अपनी पैसेज से इन्फॉर्मेशन को निकाल के अपने माइंड में उसको एनालाइज करके कि हम कैसे इसमें से सिलेक्ट कर पाते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज इंडिया इम्पोर्ट्स 80% ऑफ इट्स मेडिसिन रॉ मटेरियल फ्रॉम द अदर कंट्रीज. आपने इसको अंडरलाइन किया है अपने लास्ट पैसेज में, एक क्विक लुक भी आप ले सकते हैं. It imports more than 80% of bulk drugs or active pharmaceutical ingredients used in medicine formulations from China. Means the statement is true. From other countries से 80% medicine raw material आता है. So you can say कि this is correct. Option number B, India is a major producer of generic drugs. Now ये भी आपने underline किया था अपने last paragraph की fourth line में, India is a major producer of generic medicines. तो आपको पता है ये option भी correct है. अब option number C, India and China want to jointly develop a pharmaceutical committee. वेल, ये हमने कहीं भी पैसेज में नहीं पढ़ा है, इट इज़ टोटली आउट ऑफ स्कोप. तो यही हमारा इनकरेक्ट आंसर है और हम इसको टिक कर सकते हैं कि ये हमारा इनकरेक्ट चॉइस है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज़ द एसेंशियल टोन ऑफ द पैसेज. टोन के बारे में हमने ऑलरेडी एक एलैबोरेट हमने डिस्कशन किया था कि टोन्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल. तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमने किसी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में तो बात नहीं की है. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ न्यूट्रल टोन. द पैसेज हैड अ वेरी वेरी न्यूट्रल फ्लो ऑफ टोन. तो पैसेज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिला है, इन्फॉर्मेशन की डिस्क्रिप्शन. तो हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ से हमें बहुत कुछ जानने को मिला है अबाउट इंडियाज फार्मास्यूटिकल सेक्टर. तो अब आप ऑप्शंस पे आके एक बार देखिए. ए, कंपैरेटिव, नॉट एट ऑल, बिकॉज वी आर नॉट ड्रॉइंग अ कंपैरिजन हियर. टू, अथॉरिटेटिव, ऑथर ने हमें कोई कमांड्स नहीं दिए हैं. थ्री, इन्फॉर्मेटिव, येस डेफिनेटली, बिकॉज हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है. और आप दो ऑप्शंस को रिमेनिंग भी एक बार रूल आउट कर लीजिए. लेमेंटिंग, नॉट एट ऑल, एंड ड्रामेटिंग, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि यहाँ हमने कोई पोएम या कोई आपका स्टोरी नहीं एनालाइज की है. तो इसलिए ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी इजी आंसर टू दिस क्वेश्चन कि द ऑप्शन करेक्ट आंसर इज टोन ऑफ द पैसेज विल बी इन्फॉर्मेटिव, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थ्री है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज, पिक आउट द इनकरेक्ट पेयर. ये एक वर्ड मीनिंग का सेट है, तो आप एक एक करके अपने ऑप्शंस देखिए और उसमें डिस्कवर करिए कि किस किस के मीनिंग्स आपको सही दिए गए हैं. ए, कंस्ट्रेंट्स,
कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग इन्होंने आपको दिया है लिमिटेशंस। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग लिमिटेशंस है। जो लोग कॉन्फिडेंटली जानते हैं दे नो कि इट इज़ टोटली करेक्ट। बट अगेन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नथिंग टू वरी, हम पैसेज पे जाएंगे और हम इस वर्ड को लोकेट करेंगे। लोकेट करने से हमें पता चल जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ है। तो चलिए हम इसे ढूंढते हैं और आप देख सकते हैं टॉप से फोर्थ लाइन में कंस्ट्रेंट वर्ड क्लियरली यूज है। एज अ रूल ऑफ द थंब, जब भी आप किसी वर्ड का मीनिंग लोकेट करते हैं पैसेज की मदद से, तो उस वर्ड के पहले वाली लाइन और बाद वाली लाइन पर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि मीनिंग इसमें ही आपको छुपा हुआ मिलेगा। तो हम देखते हैं कहाँ यूज्ड है ये। चाइना हैज़ अर्लियर रिफ्यूज टू सपोर्ट मोर वैक्सीन्स टू इंडिया दैन वॉट इज़ बींग सप्लाइड, साइटिंग कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि लिमिटेशन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स मतलब कि कमी है, कैपेसिटी की लिमिटेशन है, इसीलिए उन्होंने सप्लाई के लिए मना किया है इंडिया को। सो वी नो कि ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, दिस मीनिंग इज राइट। नेक्स्ट बी, वू मीन्स टू परसुएट। अब आप देख सकते हैं कि वो जिनको ऑलरेडी पता है वो जानते हैं कि वो का मीनिंग परसुएट बिल्कुल सही होता है। अगेन हम में से जो कन्फ्यूज हैं इस बात को लेके, मैं आपकी हेल्प करूँगी इसका मीनिंग निकालने में पैसेज में जाके। आप देख सकते हैं कि पहली लाइन का ही फिफ्थ वर्ड आपका वू है। तो आप सेंटेंस को समझिए और जो आपको मैंने रूल समझाया है इसके पहले के और बाद के लाइन में प्लीज़ फोकस करिए। अभी आपकी पहली ही लाइन है तो आप इस लाइन को थरली रीड करिए और इसकी फॉलोइंग लाइन भी रीड करिए और तब आपको पता चलेगा कि वू का मीनिंग एग्जैक्टली पैसेज में क्या है। इंडिया हैज़ मैनेज्ड टू वू चाइना फॉर एडिशनल सप्लाईज ऑफ जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन फॉर एक्सपेंशन ऑफ इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। वू चाइना मीन्स टू रिक्वेस्ट चाइना, टू रिक्वेस्ट मीन्स टू परसुएट समवन, तो इसलिए वर्सुएट बिल्कुल सही है। नाउ ऑप्शन नंबर सी, डायलॉग। डायलॉग इज ए मोर ऑर लेस कॉमन वर्ड, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ अस विल बी नोइंग डायलॉग का मतलब टॉक्स, नेगोशिएशंस हो सकता है और ये ऑप्शन सही है। फिर भी अगर हमें कन्फ्यूजन है हम सेम स्ट्रेटेजी से वापस जाएंगे और डायलॉग मीनिंग को पैसेज में से निकालेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में सेवेंथ लाइन के सेकेंड पार्ट में वी आर इन कॉन्टिन्यूस डायलॉग, डायलॉग वर्ड आपका मैंशन है, तो इसलिए आप निकाल सकते हैं कि डायलॉग मीनिंग यहाँ पे क्या होगा। वी आर इन कॉन्टिन्यूस डायलॉग्स विद देम, डायलॉग्स विद देम मीन्स टॉक्स विद देम, इंटरैक्शन विद देम, विच मीन्स दे हैव गिवन इट करेक्टली इन द ऑप्शन। डायलॉग मतलब नेगोसिएशंस और इसको हम टॉक्स भी बोल सकते हैं, इंटरैक्शन भी कह सकते हैं। ये वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ मे बी इस पैसेज के लिए स्पेसिफिकली नहीं, बट देन जस्ट एज अ फ्यूचर रेफरेंस। नाउ लास्ट ऑप्शन, जेनेरिक मॉडर्न। जेनेरिक से आप जानते हैं इसका मीनिंग होता है समथिंग प्रिमिटिव, समथिंग ओरिजिनल, समथिंग बेसिक, और इसका मीनिंग मॉडर्न तो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स नहीं हो सकता है, बिकॉज मॉडर्न इज समथिंग टोटली ऑपोजिट कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न इज समथिंग एडवांस्ड, तो इसलिए ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, आप इसको टिक कर सकते हैं, दिस इज़ योर इनकरेक्ट आंसर। अगेन आप ये बोल सकते हैं कि जेनेरिक का मतलब आपको नहीं पता था तो आप कैसे गेस करेंगे, तो चलिए एक बार पैसेज के रेफरेंस से हम इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। आप पैसेज पे प्लीज़ आ जाइए और आप देख सकते हैं आपके जो सेकंड पैराग्राफ है उसके फोर्थ लाइन के सेकंड पार्ट में क्लियरली जेनेरिक वर्ड मेंशन है, जहां पैसेज में लिखा है दो इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक मेडिसिन्स, इट इम्पोर्ट्स मोर देन 80% बल्क ड्रग्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेडिसिन फॉर्मुलेशंस फ्रॉम चाइना। यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि इसका मीनिंग मॉडर्न नहीं है और इसलिए आप इसको क्लिक कर सकते हैं राइट आंसर को। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमने अपने ऑलरेडी दो पैसेज एग्जांपल्स सॉल्व किए बाय यूजिंग द रिवर्स मेथडोलॉजी फॉर योर इन्फरेंस बेस्ड सेक्शन, एंड आई होप आपको जो भी इन्फरेंस के एक टेक्निकलिटीज़ होती हैं इन्फरेंस सेक्शन की, जैसे कि टोन, जैसे कि टाइटल, जैसे कि आपका डिडक्शन, आपका जो समरी और सेंट्रल थीम है, इसको सॉल्व करने में हेल्प हुई है। एंड आई एम श्योर इस रूल से आपको आगे भी हेल्प होगी अगर आप कंसिस्टेंटली इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो वी विल एग्जामिन सम मोर एग्जाम्पल पैसेजेस जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे आपका ये मेथड वर्क करता है फॉर सॉल्विंग इन्फरेंस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स लेट्स कम बैक टू आर पैसेज नंबर थ्री। हम देखते हैं व्हाट इज इट अबाउट बाय रीडिंग द फर्स्ट थ्री लाइंस। व्हेनेवर वी कंसीडर द ट्रॉमा व्हिच एनिमल्स अंडरगो ड्यू टू एविड यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन ह्यूमन लाइफ, वी मोस्टली फोकस ऑन द मिजरेबल प्लाइट ऑफ मरीन एनिमल्स। स्टूडेंट्स इट्स अ स्मॉल पैराग्राफ और फर्स्ट थ्री लाइन्स पढ़ के कहीं ना कहीं हम सब ये बात समझ गए हैं, आई एम श्योर, कि यहाँ पे बात की जा रही है किसी ना किसी तरह के एनिमल अब्यूज़ की, एनिमल्स को जो प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, क्योंकि हमारे फर्स्ट थ्री पैसेज के ओपनिंग सेंटेंसेज में प्रोमिनेंटली जो वर्ड्स यूज है वो हैं ट्रॉमा विच द एनिमल्स अंडरगो एंड द एविड यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। सो आई एम श्योर द कमिंग पैसेज विल ऑल्सो
रोटेट अराउंड द प्रॉब्लम्स ऑफ प्लास्टिक फेस्ड बाय एनिमल्स. तो अब हम जल्दी से जाके रिवर्स मेथड यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस पे जंप करते हैं. एंड द क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पैसेज? ऑप्शंस आर, वन, द एनिमल अब्यूज प्रेवलेंट इन इंडिया. टू, द इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस इन इंडिया. सी, द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द सिटी ऑफ देहरादून. एंड डी, द ड्यूटीज ऑफ म्यूनिसिपल सुपरवाइजर्स इन द सिटी. अब प्लीज अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए. सेंट्रल थीम ऑफ दिस पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ. व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन दिस पैसेज? ये आपका एक और टोन बेस्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन दिस पैसेज? दे हैव गिवन यू फोर ऑप्शंस. वी कैन कम बैक टू इट एंड सेलेक्ट इट आफ्टर रीडिंग द पैसेज. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द पैसेज? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिडक्शन. डिड्यूस्ड का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. मीनिंग इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट समथिंग आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट फैक्ट्स अबाउट समथिंग. तो हम देखेंगे व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड बाय दिस पैसेज. इसमें भी हमारे फोर ऑप्शंस हैं. वी विल क्विकली सिफ्ट थ्रू देम. वन, वी एज सिटीजन्स शुड पुट एन एंड टू थ्रोइंग अवे आर फूड वेस्ट एंड पॉलिथीन्स एज अ रूल. टू, एनिमल्स आर इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल कॉम्पोनेंट ऑफ आर इकोसिस्टम. सी, सेग्रीगेशन ऑफ फूड एंड ड्राई इनऑर्गेनिक वेस्ट इज इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट एट द हाउस होल्ड बट ऑल्सो द म्यूनिसिपल बिन्स. डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज. अगेन अ वेरी वेरी कॉमन एंड रिपीटेडली कमिंग इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर आर मेन एग्जामिनेशन. तो इस पर ध्यान दीजिए, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए. सूटेबल पैसेज, सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज. इट्स अ फोर क्वेश्चन पैसेज. तो चलिए लेट अस क्विकली गो बैक टू द पैसेज और देखते हैं कि क्या बात हो रही है पैसेज में. इट लुक्स लाइक अ लिटिल बिट लॉन्गर पैसेज. तो आप जहाँ भी आपको डिफिकल्ट या इंपॉर्टेंट फ्रेजेज या वर्ड्स या कोई भी क्लू वर्ड्स मिलते हैं उसे अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, सो दैट इट इज देयर इन योर माइंड. तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स रीड ऑन. However, the land animals and especially the stray ones are equally suffering because of the reckless dumping of polythene and plastic wastes by people. It is a routine for the municipal supervisors in Dehradun to receive a deluge of complaints each day from residents demanding clearing up of rotting stray animal remains. In fact, there is a paucity of accurate data on how many feral dogs, cats, cows die either by consuming plastic wastes or get strangulated by polythene. In the absence of closed and separate dustbins for discarding plastics, all the waste in the public bins gets mixed up. Most of the times, the waste spills on the roadsides due to irregular collection by the municipal authorities. In Dehradun, like in other small towns across India, stray animals are usually underfed. This is evident from how cows, monkeys, cats and dogs flock around large overflowing municipal garbage containers in search of food. These poor animals end up ingesting plastic pieces which are jumbled up with the food waste. In incidents of cow eating away polythene bags and having them stuck in their throats and stomachs are extremely common. These animals suffer tremendously as the plastic causes internal injuries to them and polythene usually suffocates them to death. It is a common practice among people to throw away their food waste and leftovers by wrapping them in polythene covers. This proves specially dangerous for the animal population as they can smell the food from inside the polythene and they believe that this is edible as well. Several accounts of veterinarian surgeons who have removed kilograms of plastics from the stomachs of dying cows have routinely been coming to light in the last few years. Besides this, broken and sharp plastic objects found in waste containers or strewn on the streets are also causing physical injuries to the streets. When it comes to using plastics, humanity must come above convenience. Plastics not only pose a health hazard for humans, but is equally toxic for the environment too, due to its inability to get decomposed. Animals are an important and integral part of our ecosystem. From the feral animals to the scavenging birds, microplastics have become an inseparable part of the food chain. The government has to implement a complete ban on the manufacturing of plastics and must make it mandatory for all the commercial manufacturing organizations to take back plastic bags made by them. The same should be separately discarded as well. We, as citizens, should put an end to throwing away our food wastes and polythenes as a rule. A segregation of food and dry inorganic waste is important not only at the household level but also municipal bins. Need to be separately demarcated. Plastics have the potential to not only maim but also kill animals in the most insensitive manner. Students, it's a lengthy passage.
आफ्टर रीडिंग द होल पैसेज नाउ वी कैन ट्राई टू प्रोसीड विद द क्वेश्चंस एंड सी हम कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जो हमने अभी ऑलरेडी रीड किया था, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पैसेज. ऑप्शंस आपने ऑलरेडी रीड किए थे, एक क्विक लुक लेके वी विल फाइंड आउट द थीम ऑफ द पैसेज. वन, एनिमल अब्यूज प्रेवलेंट इन इंडिया. टू, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस इन द कंट्री. सी, कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ देहरादून. डी, द ड्यूटीज ऑफ म्यूनिसिपल सुपरवाइजर्स. गोज विदाउट सेइंग द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर टू, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, सेंट्रल थीम को निकालने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस हमारा जो होगा वो होगा हमारे मिडिल पैराग्राफ्स में, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट में. और हमारी जो बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है, आप देख सकते हैं, बिगिंस फ्रॉम समवेयर फ्रॉम द पैसेज नंबर टू से स्टार्ट होती है, पैसेज नंबर थ्री पे है और पैसेज नंबर फोर पे है. इन पैसेजेस का जो मेन समरी है वो यही है कि कैसे लोग इम्प्रॉपर वेस्ट को डिस्पोज करते हैं. सो दिस विल बी आवर आंसर विच इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज. प्लीज सी योर क्वेश्चन नंबर टू नाउ. What is the tone of the author in this passage? Now students, I think most of us would have guessed it by now कि इस passage की theme क्या होगी. एक बार हम अपने options देख लेते हैं. One is expository, one is lamenting, the other is authoritative and the last is narrative. One by one हम इन्हें देख लेते हैं. Expository tone will be a tone जहाँ पे author किसी चीज़ की reality को expose कर रहे हैं. He is trying to bring out and open some very big problem or some very big fact. Lamenting, as you have already studied, means regretting. Authoritative is about do's and don'ts, and narrative is about giving you a sequential narration of an event. तो इस केस में आई थिंक जो इसकी ऑथर की जो एक मेन टोन है वो यहाँ पे आपकी टोन होगी एक्सपोजिटरी, क्योंकि ऑथर इज ट्राइंग टू एक्सपोज वॉट ऑल इज हैपनिंग विद द एनिमल्स एंड हाउ मच अब्यूज इज हैपनिंग टू देम बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बिहेवियर. ऑल्दो लेमेंटिंग कैन ऑल्सो बी एन अप्रोप्रिएट आंसर, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी एक्सपोजिटरी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, वॉट कैन बी डिड्यूस्ड बाय दिस पैसेज. जैसा कि हमने डिस्कस किया था, डिड्यूस्ड वर्ड का मतलब होता है किसी भी फैक्ट्स को पढ़ के अपनी ओपिनियन उस पर फॉर्म करना, अपना एक पर्सपेक्टिव और ओपिनियन बनाना, समझना, टू अंडरस्टैंड. तो इसलिए हम देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास. वन, वी एज सिटीजन्स शुड पुट एन एंड टू थ्रोइंग अवे आर फूड वेस्ट एंड पॉलीथीन्स एज अ रूल. टू, एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड एन इंटेग्रल कॉम्पोनेंट ऑफ आर इकोसिस्टम. थ्री, सेग्रीगेशन ऑफ फूड एंड ड्राई इनऑर्गेनिक वेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, नॉट एट द हाउस होल्ड लेवल ओनली बट ऑल्सो एट द म्यूनिसिपल बिन्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो एज वी हैव सीन कि हम पैसेज से क्या डिड्यूस कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर वन इज टोटली करेक्ट कि हम एज सिटीजन्स हमें अपना फूड वेस्ट पॉलीथीन में नहीं थ्रो करना चाहिए. टू, एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर इकोसिस्टम. ये भी एक पैसेज से हम थीम रिड्यूस कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द पैसेज. ऑप्शन नंबर थ्री, सेग्रीगेशन ऑफ फूड वेस्ट एंड ड्राई इनऑर्गेनिक वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एट द हाउस होल्ड लेवल ओनली बट ऑल्सो एट द म्यूनिसिपल लेवल. ये हमने पैसेज में पढ़ा है. तो स्टूडेंट्स, वी कैन ईजिली से कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, और आपके पास ऑप्शन है, सो यू कैन टेक इट एंड से कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, बिकॉज ऑल दीज थ्री टुगेदर ओनली मेक अप द एसेंस ऑफ द होल पैसेज. Now the last question, question number four. Select a suitable title for this passage. Again a very interesting question. हम पहले सारे options पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा वो option है जिसमें कि passage के बारे में सबसे ज़्यादा information छुपी है, जो passage को सबसे ज़्यादा suggestive है about the body of the passage, and that will be the title. तो let us find out. Option number one says solid waste and environmental problems. Okay. Option number two says suffering of animals due to plastic pollution. Option number three is about moral values in modern society. Option number D is about urbanization problems in India. आप देख सकते हैं students, first two options overlapping हैं. Both of them are appropriate अगर passage की बात की जाए तो. बट जो लास्ट वाले आपके दो ऑप्शंस हैं, दीज आर टोटली इनअप्रोप्रिएट. स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में भी ये टिप प्रोवाइड की थी, और मैं फिर से एक बार इस टिप में स्ट्रेस करूंगी. क्यों मैं आपको ये टिप अभी दे रही हूँ, बिकॉज अनलेस वी सी एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस, इट बिकम्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड एनी रूल. सो एक एलिमिनेशन थ्योरी की हमने बात की थी अपने लास्ट वाले ट्यूटोरियल में भी. एलिमिनेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जो सिर्फ तभी आपके पास अवेलेबल होती है जहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शंस मेक नो सेंस एट ऑल. ये टिप आपकी तब यूज नहीं होगी जहाँ पे सारे ही ऑप्शंस ओवरलैपिंग होंगे, सब में कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ ट्रूथ होता है. बट इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाले दो ऑप्शंस हैं, ये टोटली इनअप्रोप्रिएट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर पैसेज. पैसेज में मॉरल वैल्यूज के बारे में कोई बात नहीं की गई, पैसेज में अर्बनाइजेशन के बारे में भी कोई बात नहीं की गई. तो ये तो टोटली आउट ऑफ सिंक है पैसेज से. तो आप इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं ASAP, इमीडिएटली.
और आप उन पे अपना अटेंशन फोकस कर सकते हैं जो कि अप्रोप्रिएट सेंस बनाते हैं। तो इसलिए एलिमिनेशन टेक्निक एक ऐसा, आपके पास हम कह सकते हैं, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वेपन है जो आप सिर्फ तब यूज़ करें जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस में से आपको विजिबल हो और एविडेंट हो कि कई सारे ऑप्शंस आपके यूजलेस होते हैं, दे आर सेंसलेस, तो आप उनको रिमूव करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक अपने माइंड में आप रखिए एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को, और जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आए मल्टीपल ऑप्शंस में से तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो वेरी वेरी टाइम सेविंग टेक्निक एक्चुअली। सो यहाँ पे हमने लास्ट टू ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर दिया फोर्थ विद। अब हम फर्स्ट टू ऑप्शंस में देख सकते हैं सॉलिड वेस्ट एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और सफरिंग ऑफ एनिमल्स ड्यू टू प्लास्टिक पोल्यूशन। हमने पूरे पैसेज में प्लास्टिक और एनिमल अब्यूज के बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो अब हम ये बात आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर टू आपका कॉन्फिडेंटली राइट आंसर है। तो इसलिए सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज शुड बी एंड विल बी द सफरिंग ऑफ एनिमल्स ड्यू टू प्लास्टिक पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे थ्री पैसेजेस थे जिनको हमने डिटेल में एनालाइज किया अपना इन्फ्रेंस वाला सेक्शन सॉल्व करने के लिए। आई एम श्योर इस ट्यूटोरियल से आपको हेल्प हुई होगी, और आगे भी आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए और बहुत सारे पैसेजेस को सॉल्व करिए इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन वाले, और रिपीटेडली जब आपके माइंड में ये कीवर्ड्स आते जाएंगे देख देख के कि टाइटल क्या है, टोन क्या है पैसेज की, और सेंट्रल थीम क्या होती है, और कैसे हम डिड्यूस करेंगे, तो स्लोली स्लोली कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये सारे डिटेल्स रहते हैं, और एग्जाम टाइम में जो भी आपके माइंड में रहता है एट द बैक ऑफ योर माइंड, ट्रस्ट मी वही इन्फॉर्मेशन आपके काम आती है, वही बेस्ट अप्लाई होता है। तो प्रैक्टिस मेक्स इट ऑल परफेक्ट एक्चुअली। तो आई होप दिस ट्यूटोरियल वॉज हेल्पफुल टू यू, और हम और एग्जाम्पल पैसेजेस भी आपसे करेंगे शेयर जिससे कि हम और डिटेल में समझ सकें कि हाउ टू यूज दिस मेथड बेटर। थैंक यू।